नमस्कार, आप देख रहे हैं एलआर भारत में। राकेश, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे द्वारा आज पटना हाईकोर्ट के नए शताब्दी भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सीजीआई ने रिबन काटकर नए भवन का उद्घाटन के साथ साथ पट्टिका का भी अनावरण किया। इस दौरान सीजीआई के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। मुझे तो बहुत खुशी है कि आज पूरे तौर पर जो पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन बनाने का निर्णय हुआ और इस कार्यक्रम का शिलान्यास भी 4 फरवरी 2014 को हुआ था। उस दिन बसंत पंचमी का दिन था और जब शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मुझको आने का मौका मिला था और आज जब ये भवन निर्मित हो गया है, आज उसका उद्घाटन हो गया है, उस अवसर पर भी मुझको शामिल होने का मौका मिला है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और पहले तो हम लोगों ने जो सोचा था उस समय जो 2014 में हुआ, तो हम लोग तो सोच रहे थे कि 100 साल पूरा होगा 2016 में, तो उस समय ही बन जाएगा, लेकिन कई प्रकार की बातें आती रही। दिन भर अगर काम हो तो फिर जुडिशियरी को समस्या थी, तो कई तरह की ऐसी बातें, और हमारे जितने यहाँ के माननीय मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशगण सब देखते रहे इन सब चीज़ों को और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों का इसमें सुधार करवाया। और उसके चलते जो भी लगा, हालांकि अगर ये जो कोरोना का दौर नहीं होता पिछले वर्ष, तो ये पिछले ही वर्ष इसका विधिवत उद्घाटन हो गया होता, लेकिन आज ही हुआ है। और अभी तो बताया गया है सब लोगों ने यहाँ के बारे में, और इसको पुराने भवन के अनुरूप बनाया गया है, विस्तारित भवन को भी, और इस काम का, इस परियोजना का पूरी लागत हुई है 203 करोड़ 94 लाख रुपया। और शताब्दी भवन के दो खंड, जिसमें 5 तल हैं, और शताब्दी भवन के दोनों खंड का नए पुराने भवन कनेक्टिंग ब्रिज से जुड़े हुए, और आप सब लोगों ने इसके पहले भी बता दिया कि इसमें न्यायालय कक्षों की संख्या 43, माननीय न्यायाधीशों की कक्षों की संख्या 57, उच्च न्यायालय में बैठकों के लिए 6 कमेटी रूम, 90 व्यक्तियों के बैठने के लिए 1 कॉन्फ्रेंस रूम का निर्माण किया गया है, माननीय न्यायाधीशों के लिए 1 लाउंज और पुस्तकालय का भी निर्माण किया गया है, और जो नवनिर्मित शताब्दी भवन है इसमें 129 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की गई। अब जो कुछ भी जो भवन का शिलान्यास हो रहा था, इसके शताब्दी भवन का, उस समय की उसमें भी बात आई थी कि साहब इसके लिए एडवोकेट एसोसिएशन के लिए और उन लोगों के बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए, तो ये उसी समय बात हो गई थी। और इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से 17 में जमीन भी उपलब्ध करा दिया गया, 10 करोड़ 17 लाख रुपए से एडवोकेट एसोसिएशन भवन की स्वीकृति दी गई थी, और यह भी खुशी की बात है कि उसका भी निर्माण हो गया और उसका भी कार्यारंभ हो गया। जहां तक मुझे ध्यान में है, याद है, रविशंकर जी उस कार्यक्रम में भी आए थे, तो ये भी हो गया है। किसी किन्हीं को किसी तरह की कठिनाई न हो इसके लिए प्रयास किया गया है, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायालय है, इस उच्च न्यायालय है, इसके बारे में सब लोगों ने अपनी बात रखी, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। एक बात का हम जिक्र जरूर करना चाहेंगे, जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर काम करने का मौका दिया, तो उस समय से ही 2006 में पटना हाईकोर्ट की तरफ से भी मीटिंग की गई, और किस तरह से अपराध पर नियंत्रण और तेजी से ट्रायल और इसके लिए जो सब प्रयास किया गया, और हमारे जो उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण थे जिनके जिम्मे जो जिला होता था, वो एक एक जिले पर नजर रखते थे कि तेजी से ट्रायल हो, और उसके चलते हुआ कि अपराध करने वालों को के बारे में कितने निर्णय हुए। और ये तो कोई भी चीज बात सामने आती है, ये देखना तो माननीय न्यायालय का काम है, वो देखेंगे, अगर संतुष्ट हैं कि ये बात सही है तो उसके ऊपर, तो कितने लोगों को सजा मिली, और उसके चलते जो यहाँ बिहार में एक जो वातावरण था अपराध का, उस पर बहुत हद तक नियंत्रण हुआ,
और इसके लिए हम लगातार बोलते रहे, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये जो न्यायालय ने काम किया उसके चलते जो लोगों को सजा मिलनी शुरू हुई तो बिहार में क्राइम की कमी आई। लेकिन फिर भी समाज में तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे कुछ भी कर दीजिए, चाहे जितना भी कानून बन जाए, न्यायालय से किसी को कितनी भी सजा हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मानसिकता तो गड़बड़ होती है। और ये मनुष्य के स्वभाव में ही होता है, ज्यादातर लोग ठीक स्वभाव के होते हैं लेकिन कुछ लोग गड़बड़ स्वभाव के होते हैं, तो वो तो कुछ करते ही रहते हैं। इसलिए कानून कब से बना है, सजा कितनों की होती है, तब भी कुछ ना कुछ अपराध होता ही रहता है। लेकिन हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि कम से कम ये जो ट्रायल का काम है वो तेजी से अगर चलता रहेगा तो हम समझते हैं कि बहुत हद तक अपराध पर वो नियंत्रण लेगा, ये चीज तो हम लोग चाहेंगे। और हम लोगों को तो इतना ही कहेंगे, हिसाब कानून का राज स्थापित करना है तो ये कोई सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ नहीं, सरकार का जो मौलिक काम है वो तो करता ही है, करेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जब न्याय का प्रश्न है तो इसके लिए जो जिम्मेवारी है न्यायपालिका को, तो यहां से ही जब कुछ होता है तभी इन सब चीजों पर नियंत्रण होता है। और खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहिए अलर्ट भारत। नमस्कार।